मैंने करेक्टर्स देखे हैं तो आपको अपना बचपना याद आ जाएगा। काफी अच्छा काम है, resonates with me, काफी relevant to a lot of people can relate to it. मेरा concept ups and flows पर है, life के ups and downs जो आते हैं, sudden waves आती हैं, and then you have no choice but to float on in those waves. Basically मेरा concept ये है कि मुझे बचपन से ही gluten allergy है और मैं गंदम नहीं खा सकती, यानी रोटी नहीं खा सकती, क्योंकि हर इंसान की शक्ल किसी न किसी एनिमल से भी मिलती है, तो मैंने उसको इस तरह डोन बनाया। और ये ज़्यादा प्ले बॉयज हैं जो रात के 12 बजे निकलते हैं, तो इसका टाइटल है होड़ के पहलू में लंगूर। अक्सर ये होता है कि जो बच्चियां ग्रेजुएट करती हैं या अपनी स्टडी मुकम्मल करती हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है और हर लड़की को उसका आइडियल नहीं मिलता, तो माँ बाप के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेर। नाज़रीन, आर्ट का ताल्लुक हमारी ज़िंदगी से ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे इसके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। और आर्ट के जो दिलदादा लोग हैं वो बड़े सॉफ्ट और बड़े खूबसूरत लोग होते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि कनेट कॉलेज की तरफ से यहाँ अलमरा आर्ट काउंसिल में एक एग्जीबिशन लगाई गई है। ग्रेजुएट लड़कियाँ हैं, उनका लास्ट प्रोजेक्ट है और इनसे जानते हैं कि ये इतने खूबसूरत किस्म की जो पेंटिंग्स मुझे पीछे नज़र आ रही हैं, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें ये जो मैंने करेक्टर्स देखे हैं तो आपको अपना बचपना याद आ जाएगा। तो जानते हैं इनसे कि इन्होंने क्या सोच कर ये पेंटिंग्स जो है ना तख्लीक की हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम तानिया शकील है। अच्छा तानिया, मुझे ये बताएं कि मैं देख रहा हूँ आपकी पेंटिंग्स के हवाले से कि आपने बच्चों के कार्टून्स को बड़ा फोकस किया है, ये इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि बचपन में सब बच्चों के पास टॉयज तो होते ही हैं, तो उसके अलावा वो जब खेलते हैं तो उनको करेक्टर्स देते हैं, तो मैंने भी इस बारे में सोचे थे। अभी तक मेरे पास जो ट्रस्ट ऑफ टॉयज हैं वो पड़े हुए हैं, तो मैं बाद में रियलाइज़ किया तो सारे करेक्टर्स वो देते हैं, इर्द गिर्द के लोगों को ही देते हैं, कभी अपने आप को बना रहे होते हैं टेडी के मैं हूँ, या उनके पास जो बाकी होते हैं उनको कोई ना कोई करेक्टर देते हैं, इर्द गिर्द के लोगों को से ही देते हैं। और मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि हर इंसान की शक्ल किसी न किसी एनिमल से भी मिलती है, तो मैंने उनको मिला के अपने स्टफ टॉय और ह्यूमन को फीचर्स को मिला के करेक्टर्स बनाए हैं, सब में अलग अलग स्टोरीज हैं। अच्छा तानिया, एक तो चीज़ आपने जैसा ये बात बताई कि बचपन जो होता है ना बड़ा मासूम होता है, बड़ा इनोसेंट होता है और उसमें कुछ नहीं पता होता, आप अपना कोई भी आइडियल बना लेते हैं, चाहे वो कार्टून्स की शक्ल्स में होता है, चाहे किसी सेलिब्रिटी की पर्सनालिटी की शक्ल में। तो मुझे ये बताएं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इन चीज़ों से बहुत दूर चले जाते हैं और ऐसे कमर्शियल हो जाते हैं कि हमें सब चीज़ें जो है ना भूल जाती हैं, तो आपने अभी तक इनको ज़िंदा रखा हुआ है अपने माइंड में, अपनी तख्लीक में, तो इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि शुरू से जब वो चीज़ें आपके साथ हैं और जब आप उनके कंफर्टेबल फील करते हैं, तो मुझे लगता है वो उसको अडल्टहुड तक लेके जाना चाहिए। वो बहुत हर बच्चे का वो बहुत मेन पार्ट है कि पेरेंट्स हर बच्चे को स्टफ प्राइज लेके देते हैं और फिर वो उनके साथ ही रहते हैं, तो उनको शुरू तक करना ही चाहिए उनके। अच्छा, आप थोड़ा सा आपकी पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं, ये क्या सोच के तकलीफ की है? ये मेरे दिमाग में इस तरह आया था, मेरे पास टाइगर था तो वो डोन टाइप मुझे लगता था, तो मैंने उसको इस तरह डोन बनाया। और ये ज़्यादा प्ले बॉयज़ हैं जो रात के 12 बजे निकलते हैं, तो डोन टाइप अमीर। अच्छा। सो मैंने पावरफुल फेरी क्वीन बनाई है कि वो पावरफुल है और जिस तरह मैं इमेजिन करती हूँ क्वींस को, पिंक हेयर्स। ये फेरी क्वीन जो हम जो फेरी को कॉन्सेप्ट में लेकर आते हैं, ये आपने कहा मॉडर्न टाइप की? हाँ, ये सुपर वुमन है। सुपर वुमन, ये वो नाजुक वाली नहीं, ये सुपर वुमन है, फेरी क्वीन है, मजबूत वाली, जैसे स्पाइडरमैन। हाँ जी, ये इस तरह ही। सो मैंने यहाँ पे मॉन्स्टर बनाया और साथ ये सुपर वुमन है, इसका फेस टाइगर जैसा है, ये मेरा स्टफ टॉय था, उसको ही मैंने मॉर्फिन किया है। ये जो मेरे सारे पोर्ट्रेट्स हैं ये इस तरह निकले थे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चे जैसे करेक्टर्स देते हैं तो इर्द गिर्द के ही लोग होते हैं वो सारे, तो मैंने इर्द गिर्द के लोगों को देखना शुरू किया कि ये किस एनिमल से मिलते हैं, और मेरे टॉय से भी इनकी जो शक्लें हैं वो थोड़ी मिलती हैं, तो मैंने सबके पोर्ट्रेट्स बनाए। इसका टाइटल है होड़ के पहलू में लंगूर, जैसे ये मैंने लंगूर फ्रॉग है और होड़ कैट है, तो जैसे हमारी सोसाइटी में होता है कि लोगों की शादी करा दी जाती है लेकिन बेचारे एक दूसरे के बिल्कुल कंपेटिबल नहीं होते हैं, तो इस हवाले से मैंने किया। दो डिफरेंट ब्रीड हैं, एक फ्रॉग डिफरेंट ब्रीड है और कैट डिफरेंट ब्रीड है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि टेडी बियर अपने आप को सी रहा है, तो इसका टाइटल भी है डू इट योरसेल्फ। इसका मतलब ये है कि जैसे इंसान अकेला होता है तो उसको खुद अपने आप को मेंट करना पड़ता है, तो वो खुद अपने आप को ठीक कर रहा है। अच्छा मुझे बताएं तानिया कि अभी आपने ये जो बात कही कि हूर के पहलू में लंगूर, और मुझे बताएं कि अक्सर ये होता है कि जो बच्चियां ग्रेजुएट करती हैं या अपनी स्टडी मुकम्मल करती हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है और हर लड़की को उसका आइडियल नहीं मिलता, तो माँ बाप के लिए क्या मैसेज देना चाहिए?
मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि दोनों लड़का लड़की दोनों को ही देखना चाहिए कि वो दोनों कंपेटेबल हैं कि नहीं हैं, तो उस लिहाज से ख्याल में मिलते हों थोड़े तो उस हिसाब से शादी करनी चाहिए। हमारी शरीयत भी इस चीज़ की इजाज़त देती है लड़की को लड़के को। हाँ जी, तो माँ बाप के लिए क्या मैसेज है? माँ बाप के लिए ये कि पहले एक दफ़ा देख लें, लड़की से भी पूछ लें, लड़कियों से भी पूछ लें कि दोनों के ख्याल एक दूसरे से बात कर लें, ख्याल मिलते हो तो फिर शादी करें। थैंक यू वेरी मच जी। जी इतफा, ये आपने ड्राइंग देखी है तो इसके बारे में क्या आपके कमेंट्स हैं? काफ़ी अच्छा काम है, रेजोनेट्स विद मी, काफ़ी रेलेवेंट टू अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू इट, और काम की फिनेस बहुत है, और आई वुड लव टू सी दिस खदीजाज वर्क एट अ गैलरी वेरी सून इंशाल्लाह। तो आप खुद भी आर्ट की दिलदादा हैं? दिलदादा कह लें या आई रन अ क्रिएटिव कलेक्टिव एक्चुअली। हम लोग एक आर्टिस्ट और क्राफ्टर्स के लिए एक सेफ स्पेस रन करते हैं टिंकर्स कलेक्टिव के नाम से, सम पीपल नो अबाउट इट, और उस सिलसिले में भी वी डू फ्रीक्वेंट गैलरीज एंड यू नो एग्जीबिशंस, ताकि हम आर्टिस्ट के साथ कनेक्ट कर सकें, उनको अपनी कम्युनिटी में एब्जॉर्ब कर सकें। अच्छा रवा, आप भी जो है ये फाइनल प्रोजेक्ट है आपका? जी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। नेट से आप भी? जी। अच्छा ये बताएं क्या कॉन्सेप्ट लेके आप चली हैं? बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे बचपन से ही ग्लूटेन एलर्जी है, और मैं गंदम नहीं खा सकती, यानी रोटी नहीं खा सकती, मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं खा सकती, तो जो सोसाइटी का पीयर प्रेशर है, जो डिफ़िकल्टीज मैंने फेस की हैं और जो क्रेविंग्स मुझे अक्सर होती रहती हैं, तो मैंने उस पर बात की अपने सारे काम पर। मैंने दो करेक्टर्स बनाए हैं, एक दिल के और हार्ट का। वो हार्ट का ये इसलिए बनाए और इनका कि हम अक्सर, आपका भी शायद इसी तरह होगा कि अक्सर हमारा दिल कहते हैं कोई बात नहीं, दिल कहते हैं कल थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा जितना मर्जी खा लो, लेकिन दिमाग कहते हैं नहीं, लॉजिकली सोचोगे जी तुम्हारा पेट ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा स्टमक अपसेट हो जाएगा, फिर तबीयत जो ख़राब होगी, तो ये उन दोनों की फाइट चल रही है यहाँ पर। वो एक्सेप्ट नहीं करता दिमाग और दिल, और फिर हम उसको कई कई दफ़ा छोड़ भी देते हैं, हालांकि हमें वो चीज़ पसंद होती है, लेकिन कभी कभी हम खा भी लेते हैं। इस वर्क को क्या कहते हैं? इस वर्क को मिनिएचर कहते हैं, मिनिएचर पेंटिंग मैंने की हुई है, बट डार्क से बिल्ड किया हुआ है मैंने अपना सारा काम। इसका मतलब है कि ये जितनी आपकी पेंटिंग्स हैं इसका ताल्लुक आपकी लाइफ के साथ है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी फातिमा का ताल्लुक भी कनेट कॉलेज से है, और फातिमा से जानते हैं कि फातिमा आमतौर पे हम लोग जो पेंटिंग्स देखते हैं मिनिएचर्स या वो क्या नाम है ट्रेडिशनल पेंटिंग देखते हैं, तो ये बड़ा हटके एक चीज़ मुझे नज़र आई है, और ये जो एनिमेशन सी चल रही है इसके बारे में भी बताएं, और ये कॉन्सेप्ट क्या है? मेरा कॉन्सेप्ट एप्स एंड फ्लोज पर है, लाइफ के अप्स एंड डाउन जो आते हैं, सडन वेव्स आती हैं, एंड देन यू हैव नो चॉइस बट टू फ्लोट ऑन इन दोज वेव्स। सो इसमें ये है कि लास्ट ईयर में जैसे कोविड वेव जो है हिट हुई थी, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, उसमें से एक मेरे फादर भी थे जिनकी डेथ हुई थी, और उस पर मैंने काम बनाया है कि किस तरह से एक वेव आई और उसने सबको बहा के ले के चली गई अपने साथ। तो इसी तरह से अब ये जो है इसके अंदर मैंने ग्रीव की और उसके इमोशंस की बात की है, कि कैसे एक जो प्रोसेस है इमोशंस का, कि जैसे ही
आपको अपनी किसी की मेमोरी याद आती है, जो सारा कुछ वो दोबारा से आपको पेन और सारा कुछ रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है, वेव्स दोबारा से आपके फेस पे आना शुरू हो जाती हैं, तो वो पूरा प्रोसेस साइकिल की तरह ही चलता रहता है। ये जो है हीलिंग प्रोसेस के बारे में मैंने बात की है, और इसमें ये है कि हीलिंग टेक्स टाइम, बट स्टिल जो आपका लॉस है, आप जितना भी टाइम गुजार लो, वो जो लॉस है उसका स्टिल इम्प्रेशन आपके लाइफ में और आपके अंदर इमोशंस में रहता है। तो वो जो स्कार्स और इम्प्रेशन है, जितना मर्जी क्लीन कर लो और सारा कुछ, बट वो इम्प्रेशन रहेगा, वो लॉस रहेगा जो हमने एक्सपीरियंस किया लास्ट ईयर। थैंक यू महात्मा।